السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 154 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तकूलू, और ना तुम कहना, लेमन इनको जो युक्तालो कत्ल कर दिए जाएं, फी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला की राह में, अमवातन मुर्दा मुर्दे, बल्कि अहियाउन वो जिंदा हैं। वलाकिन और लेकिन, ला तशऊरून नहीं तुम शऊर रखते। अल्लाह के हुक्म पर सब्र करने का अजीम तरीन नमूना अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना है कि आदमी अपने रब की रजा की खातिर इसकी राह में अपनी अजीज तरीन शय यानी जान की कुर्बानी देता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने शहीद को उस दुनियावी जिंदगी से अफजल और आला जिंदगी अता करने का वादा किया है, और मोमनों को इस बात से मना किया है कि वो शहीद को मुर्दा ना कहें, क्योंकि वो अपने रब के पास जिंदा होता है, लेकिन वो ऐसी जिंदगी है जिसका हम शऊर नहीं कर पाते। इशारे बारी ताला है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलु फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून फारिहीना बिमा अताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही वयस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यलहकु बिहिम मिन खल्फिहिम अल्ला खौफुन अलैहिम वलाहुम यहज़नून يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين سورة آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہرگز مردہ گمان نہ کر، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، इस पर बहुत खुश हैं जो उन्हें अल्लाह ताला ने अपने फजल से दिया है, और उनके बारे में भी बहुत खुश होते हैं जो उनके साथ उनके पीछे से नहीं मिले, कि इन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। वो अल्लाह ताला की तरफ से अजीम नेमत और फजल पर बहुत खुश होते हैं, और इस बात पर कि बेशक अल्लाह ताला मोमनों का अजर जाया नहीं करता। सैयदना अब्दुल्ला बिन मासूद रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शोहदा की रूहें सबज रंग के परिंदों के कालबों में कंदीलों के अंदर हैं जो अर्श मुबारक से लटक रही हैं। ये जन्नत में जहां से चाहती हैं खाती पीती हैं, फिर इन कंदीलों में आकर रहती हैं। एक दफा उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ देखा और फरमाया, क्या तुम कुछ चाहते हो? वो अर्ज करते हैं, हम क्या चाहेंगे, हम तो जन्नत में जहां से चाहते हैं खाते पीते हैं। अल्लाह ताला शुहदा से तीन दफा यही सवाल पूछता है, फिर जब उन शुहदा ने देखा के सवाल का जवाब दिए बगैर इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, तो वो कहते हैं, ऐ हमारे रब, हम चाहते हैं कि तू हमारी रूहों को हमारे जिस्मों में लौटा दे, ताकि हम एक बार फिर तेरे रास्ते में शहीद कर दिए जाएं।
फिर जब बारी ताला देखता है कि शोहदा को और किसी शय की जरूरत नहीं तो इन्हें छोड़ दिया जाता है। सैयदना समरा बिन जंदब रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आज रात ख्वाब में देखा कि दो शख्स मेरे पास आए और मुझे लेकर एक दरख्त पर चढ़ गए, फिर एक खूबसूरत और बेहतरीन घर में ले गए जिससे ज्यादा खूबसूरत घर मैंने नहीं देखा। इन दोनों आदमियों ने मुझे बताया ये घर शहीदों का है। सैयदना काब बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा मोमिन और मुस्लिम की रूह एक ऐसा परिंदा है जो जन्नत के दरख्तों से फल वगैरह खाता रहता है, हत्ता के क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे उसके जिस्म में लुटा देगा। सैयदना जाबर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुझे देखा और फरमाया, ऐ जाबर, मैं तुझे परेशान क्यों देख रहा हूँ? मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मेरा बाप शहीद हो गया और उसने कर्ज और औलाद छोड़ी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुझे अल्लाह ताला की तेरे बाप से मुलाकात की खुशखबरी ना दूं? उन्होंने कहा, क्यों नहीं ऐ अल्लाह के रसूल? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तक अल्लाह ताला ने किसी से बात की तो पर्दे की ओट में की, और तेरे बाप से अल्लाह ताला ने आमने सामने बात की है। और अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, सवाल कर, मैं तुझे दूंगा। उसने अर्ज किया, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे ताकि मैं दूसरी मर्तबा तेरे रास्ता में शहीद हो जाऊं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बात तय शुदा है कि दुनिया में दोबारा किसी ने नहीं जाना। तो उसने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरे पीछे रहने वालों को मेरा ये पैगाम पहुंचा दे। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमा दी, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़ाकून, सूरह आले इमरान में। और तू उन लोगों को जो अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल कर दिए जाएंगे हरगिज मुर्दा गुमान ना कर, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रिज़्क दिए जाते हैं। सैयदना अंस रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में पहुंच जाने वाला कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं होगा जो दुनिया में वापस आना पसंद करे, ख्वाह उसे सारी दुनिया ही दे दी जाए सिवाय शहीद के। वो तमन्ना करेगा कि दुनिया में लौट जाए और 10 बार यानी 10वीं बार अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए, क्योंकि वो शहादत की कदरो कीमत और इसकी खूबियां देख चुका होगा। आयत नंबर 155। वला नब्लुवन्नकुम, और अलबत्ता हम जरूर आजमाएंगे तुम्हें, बेशय्यिन किसी चीज के साथ, मिनल खौफी खौफ से, वलजूई और भूख से, वनक्सिन और कमी करने से, मिनल अमवाल मालों में से, वल अनफुसी और जानों में से, व समरात और फलों में से, व बशीर साबिरीन और खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को। इस आयत में ये किताब सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम के लिए है, लेकिन दिगर मोमिन भी इसमें शामिल हैं। लिहाजा जो लोग दावत और जिहाद की जिम्मेदारी कबूल करेंगे उनका मुकाबला अहले फिस्क और फजूर से होगा, और जो लोग हक पर कायम रहेंगे और उसकी तरफ दूसरों को दावत देंगे उनकी इतला और आजमाइश लाजिम है। यही सुन्नत इब्राहिमी है, और ये आजमाइश
इसलिए भी जरूरी है ताकि झूठे और सच्चे सब्र करने वाले और जिज़ा और फिज़ा करने वाले में तमीज हो सके, और जो सब्र से काम लेता है अल्लाह ताला उसे अजर की उम्मीद अल्लाह ताला से वो अजर की उम्मीद रखता है और राजी बकज़ा इलाही होता है। अल्लाह उसे बशारत देता है कि इसका अजर उसे पूरा पूरा मिलेगा। इरशाद बारी ताला है, वला नब्लुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीना मिनकुम वस्साबिरीना वनब्लुवा अखबारकुम। सूरत मुहम्मद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम जरूर ही तुम्हें आजमाएंगे जहाँ तक के तुम में से जहाद करने वालों को और सब्र करने वालों को जान लें और तुम्हारे हालात जांच लें। और फरमाया, ला तुबलवन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम व ला तस्माउन्ना मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन कब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू आज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तकू इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। सूरह आले इमरान में, यकीनन तुम अपने मालों और अपनी जानों में ज़रूर आजमाए जाओगे, और यकीनन तुम उन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई और उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया ज़रूर बहुत सी ऐज़ा सुनोगे, और अगर तुम सब्र करो और मुत्तकी बनो तो बिला शुबा ये हिम्मत के कामों से है। सैयदना अंस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक रात अहले मदीना एक खौफनाक आवाज़ सुनकर घबरा गए, फिर वो इस आवाज़ की तरफ चले तो रास्ता में सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हुए मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पहले ही उस आवाज़ की तरफ रवाना हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर मालूम करके आ रहे थे। आपने फरमाया, डरो नहीं डरो नहीं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात बेदारी में गुजारी। मदीना में पहुँचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश मेरे सहाबा में से कोई साले मर्द रात को मेरा पहरा देता। इतने में हमने हथियार की आवाज़ सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन है? आवाज़ आई, मैं हूँ सार बिन अबी वकास। मैं इसलिए आया हूँ कि आपके पास पहरा दूँ। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून और आराम से सोए रहे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने सफा वालों में से 70 आदमी ऐसे देखे जिनके पास चादर तक ना थी, या तो फ़क्त तहबंद था या फ़क्त कंबल जिसे उन्होंने गर्दन से बांध रखा था, जो किसी की आधी पिंडलियों तक पहुंचता था और किसी के टखनों तक, जिसे वो अपने हाथ से समेटते रहते इस डर से कि कहीं इनका सतर ना खुल जाए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा अपने भांजे उर्वा बिन जुबैर से कहती हैं, ऐ भांजे, हम पर ऐसा वक्त भी गुजर चुका है कि हम एक चाँद देखते, फिर दूसरा चाँद, फिर तीसरा चाँद, यानी दो दो महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आग नहीं जलती थी। उर्वा ने कहा, खाला, फिर तुम्हारी गुजर किस चीज़ पर होती थी? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, इन्हीं दो काली चीज़ों यानी खजूर और पानी पर। इतना ज़रूर था कि चंद अंसारी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसाए थे, जिनके पास बकरियां थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बकरियों का दूध तोहफा के तौर पर भेजा करते थे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी वो दूध पिला देते।
सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर आपकी वफ़ात तक ऐसा ज़माना नहीं गुजरा कि उन्होंने मुसलसल 3 दिन पेट भर कर खाया हो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मुझे सख्त भूख लगी हुई थी, मुझे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मिले तो मैंने उनसे कहा कि वो मुझे कुरान पाक की फला आयत सूरत दहर की आयत 8 पढ़कर सुनाए। उन्होंने मुझे वो आयत पढ़कर सुनाई और अपने घर में दाखिल हो गए। आखिर में वहाँ से चला थोड़ी ही दूर गया था कि भूख से बेहाल होकर औंधे मुँह गिर पड़ा। इतने में क्या देखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास खड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, मैंने कहा हाजिर हूँ या रसूलुल्लाह, तैयार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे उठाया और पहचान गए कि भूख के मारे मेरा ये हाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे घर ले गए और मेरे लिए दूध का एक बड़ा प्याला लाने का हुक्म दिया। मैंने उसमें से दूध पिया। आपने फरमाया, अबू हुरैरा और पी लो। मैंने और पिया। फिर फरमाया, और पी लो। मैंने और पी लिया, हत्ता कि मेरा पेट सीधा हो गया और वो प्याला की तरह हो गया। फिर मैंने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से मैं मिला और अपना हाल बयान किया और कहा कि अल्लाह ताला ने मेरी भूख दूर करने के लिए एक ऐसे शख्स को भेज दिया जो आप रज़ी अल्लाह अन्हा से इस बात के ज़्यादा लायक थे। अल्लाह की कसम, मैंने आपसे जौन सी आयत पढ़कर सुनाने को कहा था वो मुझे आपसे ज़्यादा याद थी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगे, अल्लाह की कसम, अगर मैं उस वक्त तुम्हें घर ले जाकर खाना खिलाता तो मुझे सुर्ख ऊँटों के मिलने से भी ज़्यादा खुशी होती। सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि मैं पहला अरबी जवान हूँ जिसने अल्लाह की राह में तीर चलाया और हमने इस हाल में वक्त गुजारा है कि जिहाद कर रहे हैं और हमारे पास क़िबला और बबूल के पत्तों के सिवा खाने की कोई चीज़ नहीं थी और हम बकरियों की मेंगनों की तरह पखाना किया करते थे जिसमें तरी नाम की कोई चीज़ ना होती। सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम 6 आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक लड़ाई के लिए निकले। सवारी के लिए हम सब के पास एक ही ऊँट था और बारी बारी इस पर सवार होते। पैदल चलने की वजह से हमारे पांव फट गए और मेरे भी पांव फट गए, नाखून भी जड़ गए। इसलिए हम पांव पर चीथड़े लपेट लेते। इसीलिए इस लड़ाई का नाम गज़वा ज़ात-उर-रिका यानी चीथड़ों वाली लड़ाई पड़ गया। आयत नंबर 156। अल्लाह जीना वो लोग ईज़ा के जब असाबतहुम पहुँचती हैं उन्हें मुसीबत उन कोई मुसीबत कालू तो कहते हैं इन्ना बिलाशुबा हम लिल्लाही अल्लाह ताला ही के लिए हैं व इन्ना व यकीनन हम इलैही उसी की तरफ राजे उन लौटने वाले हैं। उलाई का ये लोग अलैहिम उनके लिए है सलावातुन बख्शिश मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से व रहमातुन और रहमत व उलाइका और यही लोग हैं हुमुल मुहतदून हदायत पाने वाले। सब्र करने वालों की इस आयत में अल्लाह ताला ने सिफत बताई है कि जब उन्हें कोई मुसीबत लाहक होती है तो फौरन अल्लाह ताला की तकदीर पर अपनी रज़ा का इजहार करते हैं
और कहते हैं कि हम अल्लाह के गुलाम हैं, हमारी जानें और हमारे अमवाल सब कुछ अल्लाह ताला की मलकियत हैं, वो जिस जैसे चाहे तसर्रुफ करे, इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगली आयत में फरमाया कि सब्र करने वालों के लिए एक अजर अजीम ये भी है कि रब्बुल आलमीन उनकी तारीफ बयान करता है और इन पर रहमत का नजूल फरमाता है। यही लोग फिलवाके हदायत याफ्ता हैं, इसलिए कि उन्होंने जब जान लिया कि वो अल्लाह ताला के गुलाम हैं और इसी की तरफ लौट कर जाएंगे, तो किसी भी हाल में सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। सब्र करने वालों के लिए अजर अजीम से मुतल्लिक बहुत सी अहादीस हैं। सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि एक दिन मेरे शोहर अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आए तो उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसी बात सुनी है जिससे मुझे बहुत खुशी हुई है। आपने फरमाया, जब भी किसी मुसलमान को कोई मुसीबत पहुँचे और वो इस मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ ले और ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैर मिन्हा, ऐ अल्लाह मेरी इस मुसीबत में मुझे अजर दे और मुझे इसका बेहतर बदल अता फरमा, तो अल्लाह ताला इसके साथ इसी तरह का मामला करता है। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैंने आपसे ये सुनकर ये दुआ याद कर ली और जब अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हा फौत हुए तो मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और इस दुआ को भी पढ़ा। फिर दिल में ख्याल आया कि अबू सलमा से बेहतर शोहर किस तरह मिल सकता है। फिर जब मेरी इद्दत पूरी हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अंदर तशरीफ़ लाने की इजाज़त तलब फरमाई। मैं इस वक्त एक खाल रंग रही थी, मैंने अपने हाथों से कीकर के पत्तों के रंग को धोया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दी, आपकी खिदमत में एक तकिया पेश किया जो खाल से बना और खजूर के दरख्त के रेशों से भरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर जलवा अफरोज हुए और आपने मुझसे निकाह की ख्वाहिश का इजहार फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बात इरशाद फरमा चुके तो मैंने अर्ज की, है अल्लाह के रसूल, मेरे लिए तो ये बहुत सआदत की बात है, लेकिन मैं एक तो बहुत गैरत वाली औरत हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात सरजद हो जाए जिसकी वजह से अल्लाह ताला मुझे अजाब में मुब्तला कर दे, और दूसरी बात यह कि मैं एक उम्र सीधा और बच्चों वाली औरत हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन तुमने जो गैरत की बात की है तो उसे अल्लाह ताला ख़त्म कर देगा। जहाँ तक उम्र का ताल्लुक है तो मैं भी तुम्हारी तरह उम्र सीधा हूँ, और जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है तो तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। कहती हैं, ये इरशाद सुनकर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कबूल किया, तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शादी कर ली। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हुमा कहा करती थी कि अल्लाह ताला ने मुझे वाकई अबू सलमा से बेहतर शोहर नामदार रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए। सैयदना उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा जैनब का बेटा फौत हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से फरमाया, यूं कहो, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा वलहु मा आता वकुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा, बेशक अल्लाह ताला ही का है जो उसने ले लिया, उसी का है
जो उसने दे दिया, और उसके हाँ हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि सब्र करो और इससे सवाब की उम्मीद रखो। सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी मुसलमान को कोई मुसीबत पहुँचे और वो इस तरह कहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैर मिन्हा, तो अल्लाह ताला उससे बेहतर चीज़ उसे अता फरमाता है और उसकी मुसीबत में उसे अजर देता है। सुभान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।